मेट्रो में लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की तमन्ना मेट्रो से जुड़ी हर जानकारी जानने की रहती है। ऐसे में अब दिल्ली में DMRC ने मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन किया है, जहां आपको मेट्रो से जुड़ी हर जानकारी आसानी से मिल जाएगी। ये मेट्रो म्यूजियम शिवाजी स्टेडियम स्टेशन में खोला गया है, जहां आपको फ्री एंट्री मिलेगी। इस म्यूजियम में एक सिम्युलेटर में एक स्क्रीन और एक जॉयस्टिक है। लोग लीवर खींचकर ट्रेन पायलट की सीट पर बैठने का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस ले सकते हैं। वहीं आपको स्क्रीन पर सिम्युलेटर के जरिए सीट पर बैठे लोगों को पता चल सकेगा कि मेट्रो कैसे चलती है। इस दौरान वे मेट्रो चलाने और सुरंग में प्रवेश करने के रोमांच को भी महसूस कर सकेंगे। वहीं इस म्यूजियम में एक और बड़ी सी स्क्रीन लगी है, जिसके डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से आप मेट्रो के इतिहास के बारे में जान पाएंगे। कब इसकी स्थापना हुई, कब मेट्रो पहली बार चली, कब कब मेट्रो में क्या क्या बदलाव देखने को मिले। राजधानी दिल्ली में कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेट्रो सबसे आसान साधन है, जो हर कोई यूज करता है, और मेट्रो में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। लेकिन अगर आप भी मेट्रो में सफर करते हैं, लेकिन अगर आपको लाइव मेट्रो चलाने का एक्सपीरियंस लेना है, तो आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां आप लाइव मेट्रो चलाने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आपको बता दें कि यह जगह शिवाजी स्टेडियम में मौजूद है, जहां पे मेट्रो म्यूजियम खुला है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप कैसे वो लाइव एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि आप कैसे मेट्रो चला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये म्यूजियम यहाँ पे पूरा सेटअप किया गया एक स्क्रीन के जरिए, और आप इस मशीन से आप उस स्क्रीन को चलाएंगे और आप लाइव मेट्रो चलाने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यहाँ आपको एक एक चीज बताया जाएगा कि कैसे मेट्रो चल रही है, कौन सा स्टेशन आ रहा है, आपको मेट्रो को कैसे रोकना है और इसकी स्पीड को कैसे मेंटेन रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टेशन का नाम ले रहा है, सरोजनी नगर आ गया। अब आप रोकेंगे तो ये मेट्रो रुक जाएगी। वहीं इसके अलावा यहाँ पे मेट्रो से जुड़ी एक बहुत बड़ी स्क्रीन बनाई गई है, जहाँ पे आपको मेट्रो के पूरे इतिहास के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे बताया जाएगा कि दिल्ली में कब से मेट्रो शुरू हुआ है। यहाँ पे एक स्क्रीन लगी है जहाँ पे लोगों का वो है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे दिखाया जाएगा कि 1995 में मेट्रो शुरू हुई थी दिल्ली में, और उससे जुड़ी सारी जानकारी आ जाएगी। 1995 से लेकर 2024 तक में मेट्रो कहाँ कहाँ तक बन गए हैं दिल्ली में, इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। एवं इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिए भी ख्याल रखा गया है, उसके लिए यहाँ पे मेट्रो दिल्ली मेट्रो का क्विज भी बनाया गया है, जहां पे मेट्रो से जुड़ी बहुत सारी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे चार क्वेश्चंस आएंगे कि उससे जुड़ी कि कौन सी मेट्रो में फिल्म रिलीज हुई है, या मेट्रो में और कौन कौन से, जो भी अलग अलग है, जहां पे बच्चे चार ऑप्शन रहेंगे, साथ में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। अगर तीसरी जानकारी की बात करें तो यहाँ पे एक और जो तीसरा स्क्रीन बना है, यहाँ पे मेट्रो से जुड़ी सभी लाइन के बारे में बताया जाए, तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं और जान सकते हैं मेट्रो की पूरी जानकारी। इस म्यूजियम में बच्चों से लेकर बड़े तक के लिए ऑनलाइन क्विज में हिस्सा लेने की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ स्क्रीन पर आपको दिल्ली मेट्रो से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मेट्रो म्यूजियम आम लोगों के लिए बेहद ही दिलचस्प तरीके से तैयार किया गया है। दिल्ली से रिया की रिपोर्ट।